गुड मॉर्निंग बच्चों। कहाँ तक हो गया है बच्चों? लास्ट टाइम हम लोगों ने वो किया था ना, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। हाँ, साइन 2x कॉस 2x फॉर्मूले वगैरह किए थे। हाँ, हम लोग इंटीग्रेशन कर रहे थे अभी। तो इसमें एक हमने देखा मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन हम लोग देख रहे थे। तो इसमें हमने एक तो देखा कि अगर एफ एक्स होगा और एफ डैश एक्स होगा तो इस टाइप के फंक्शन को कैसे इंटीग्रेट करेंगे। दूसरा हमने देखा कि अगर एक्स की जगह पर ए एक्स प्लस बी आ जाएगा ना, तो कैसे इंटीग्रेट करेंगे। और तीसरा हमने देखा कि साइन एक्स है, कॉस एक्स है और इनके कुछ पावर दिए हुए हैं, तो कैसे इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है बच्चों, पावर में हमने क्या क्या देखा, अगर पी क्यू दोनों ऑड हैं तो किसी को भी टी ले सकते हो ना, टी कोई को भी हम ले सकते हैं, साइन एक्स कॉस एक्स किसी को भी टी ले सकते हो। अगर पी ऑड है और क्यू इवन है तो जो इवन वाला होगा उसको हम लोग टी ले लेंगे, और अगर पी एंड क्यू दोनों इवन है तो हम हाफ एंगल फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, यहां तक हम लोगों ने देख लिया था ना। अब हम लोग नेक्स्ट देखने जा रहे हैं। एक तो हमने इंटीग्रेशन में मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन देख लिया था, अब नेक्स्ट हम लोग देखने जा रहे हैं मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन का मेथड हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहले तो पार्शियल फ्रैक्शन मतलब क्या, जैसे मान लो आपको कहीं पे लिखा है ए प्लस बी अपॉन में सी, तो क्या हम इसको लिख सकते हैं ए बाई सी प्लस बी बाई सी। अगर कहीं पे a प्लस बी बाई सी लिखा है तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं a बाई सी प्लस बी बाई सी। अरे सिमरन, डायरेक्ट मैसेज नहीं करो, चैट टू एवरीवन ही करना है। तो हम लोग यहाँ पे मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन में यही है ना, अलग अलग फ्रैक्शन में लिख लेंगे तो ये आराम से इंटीग्रेट हो जाएगा। जब ये कंबाइन रहेगा तो इंटीग्रेट होता नहीं दिखेगा ना? तो देखो जैसे कि एग्जाम्पल में मान लो आपको बोला जाए एक्स अपॉन में एक्स प्लस फाइव, मान लो आपको बोला जाए इसको इंटीग्रेट करो तो क्या करोगे, कोई कुछ बताना चाहेगा कैसे कर सकते हैं हम लोग?
ठीक है, मैं बताता हूं ना। देखो हम इसको यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, हम अगर यहाँ पे ऐसे लिख दें, ऊपर प्लस फाइव और माइनस फाइव लिखते हैं, ना अगर हम ऐसे लिख दें और फिर हम इसको ऐसे ब्रेक कर दें, ये कुछ समझ आ रहा है? क्या किया मैंने, ऊपर प्लस फाइव और माइनस फाइव किया ना, ऊपर प्लस फाइव और माइनस फाइव किया और फिर इस वाले टर्म को अलग कर दिया और इस वाले टर्म को अलग लिख दिया ना, ए प्लस बी बाई सी था तो ए बाई सी और बी बाई सी। अब ये क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा ना, तो यहाँ केवल वन बचेगा, वन इंटू डी एक्स, ब्रैकेट ओपन कर दिया। क्या वन का इंटीग्रेशन करना आता है हमें, केवल वन रहेगा तो क्या आ जाएगा, एक्स यहाँ पे फाइव कांस्टेंट है ना, फाइव बाहर चला जाएगा, अंदर बचेगा वन अपॉन एक्स प्लस फाइव। वन अपॉन एक्स प्लस फाइव का इंटीग्रेशन बताओ, वन अपॉन एक्स प्लस फाइव का इंटीग्रेशन बताओ बच्चों, वन अपॉन एक्स प्लस फाइव का इंटीग्रेशन, हाँ एल एन एक्स प्लस फाइव, और एक्स का कोएफिशिएंट वन है तो वन से डिवाइड करने से कुछ भी चेंज नहीं होगा, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस फाइव एल एन एक्स प्लस फाइव प्लस थ्री। याद है ना सबको, एक्स की जगह पर अगर ए एक्स प्लस बी आएगा तो हम लोग क्या करते हैं, हमें पता है वन अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन होता है एल एन एक्स, तो अगर वन अपॉन एक्स प्लस फाइव आया तो ए एक्स प्लस बी आ गया एक्स की जगह, तो वैसे ही इंटीग्रेट करेंगे जैसे एक्स को करते थे और बाद में एक्स के कोफिशियंट से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन समझ आया सभी को, नोट करो इसको। ये मैंने थोड़ा जूम आउट कर दिया है, आप जहां पे आपको चाहिए होगा वहां पे आप जूम कर सकते हो अपने स्क्रीन पे ना। लिख लो इसको, हम लोग का वीकली टेस्ट का टॉपिक क्या डिसाइड हुआ था इस वीक के टेस्ट का, कैलकुलस मोल और लॉग ना। ठीक है ठीक, नहीं 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 मेनली मेनली वही है, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन जो डायरेक्ट करना है बस वो आएगा, मैक्सिमा मिनिमा वगैरह आएगा। हाँ आज जो पढ़ाऊंगा ये भी आएगा। अब इस पे मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन पे एक क्वेश्चन खुद से कर लूं।
ये क्वेश्चन करूं? ठीक है, चेक करते हैं ना, सॉल्व करते हैं। देखो इस बार अमान का सही लग रहा है बाय टू, लेकिन एलन के नीचे भी आएगा, ओम का सही होगा मेरे हिसाब से, देखते हैं ना। यहाँ पे देखो क्या है, एक्स का ऑप्शन यहाँ टू है, तो ऊपर भी टू रहेगा तभी प्लस सेवन करोगे तो वो सॉल्व हो पाएगा ना। ऊपर भी हमें टू का टर्म लाना पड़ेगा, टू एक्स प्लस सेवन आएगा तो हो पाएगा ना, जो नीचे वही ऊपर बनाना है ना। तो उसके लिए क्या होगा, टू से आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर ना, ये टू कॉमन होगा, फिर से ये टू कट जाएगा, ठीक है, समझो ना। इस टू को हम लोग कॉमन करेंगे तो फिर से कट जाएगा, तो हमने प्रॉब्लम में कोई चेंज नहीं किया है। इसको अलग लिखता हूँ ना, एक तो हम लोग यहाँ पे लिख दे रहे हैं वन बाई टू, टू एक्स अपॉन बाई टू एक्स प्लस सेवन। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, नीचे प्लस सेवन है तो ऊपर भी प्लस सेवन कर दो, माइनस सेवन कर दो, तो ये क्या आ जाएगा, वन बाई टू, टू एक्स प्लस सेवन माइनस सेवन अपॉन में टू एक्स प्लस सेवन। अब हम लोग ए प्लस बी बाई सी है तो लगा देंगे पार्शियल फ्रैक्शन वाला तरीका, तो ये आ जाएगा टू एक्स प्लस सेवन अपॉन में टू एक्स प्लस सेवन माइनस सेवन अपॉन में टू एक्स प्लस सेवन ना, इसको ऐसे लिख लिया। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये कांस्टेंट ना ब्रैकेट में हर एक में मल्टीप्लाई होगा ना, यहाँ आ जाएगा वन बाई टू, यहाँ केवल वन बचेगा ना, ये ध्यान रखना, ये जो कांस्टेंट है ये दोनों में मल्टीप्लाई होगा ना, ये पूरे में मल्टीप्लाइड है ये वन बाई। तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, वन बाई टू, केवल वन का इंटीग्रेशन एक्स आ जाएगा, सेवन बाहर आएगा, अब अंदर क्या बचेगा, वन अपॉन में टू एक्स प्लस सेवन।
तो अब हमारा वन अपॉन में टू एक्स प्लस सेवन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, वन अपॉन में एक्स का इंटीग्रेशन एल एन एक्स ना, तो यहाँ पे लिख देंगे एल एन टू एक्स प्लस सेवन और एक्स को कोएफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे। ठीक है बच्चों, सबको समझ आया ना क्या करना है? एक और कर लो सब लोग, फिर अगला टॉपिक शुरू करते हैं। सही है, सही है। सही है, सही है सबका। अबे श्रेष्ठ प्रसाद, ये 18 की खुशी में ऐड की हो? 18 को बर्थडे आने वाला है क्या तुम्हारा? वो एलन के अंदर एक्स प्लस थ्री है ना, तो वो सिक्स अंदर थोड़ी जाएगा, सिक्स तो बाहर रहेगा ना। तो देखो यहाँ पे क्या क्या हो जाएगा, 2x प्लस थ्री है तो 2 को पहले बाहर निकाल दो, ये हो जाएगा x अपॉन x प्लस थ्री डी एक्स। फिर हमें नीचे x प्लस थ्री है तो ऊपर भी x प्लस थ्री चाहिए, तो हम लोग यहाँ पर x प्लस थ्री प्लस थ्री कर लेंगे और माइनस थ्री कर लेंगे। फिर इसको पार्शियल फ्रैक्शन से ब्रेक कर देंगे तो ये आ जाएगा वन माइनस थ्री अपॉन एक्स प्लस थ्री, हाँ ऐसे आ जाएगा। अब ब्रैकेट को ओपन कर देंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यहाँ पे ऐसे आ जाएगा ना, केवल डीएक्स का इंटीग्रेशन एक्स, थ्री बाहर आएगा, थ्री बाहर होके सिक्स हो जाएगा, फिर वन अपॉन एक्स प्लस थ्री का एल एन एक्स प्लस थ्री प्लस कॉन्स्टेंट। तो आप सब लोग समझ गए हो ना मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन? अब हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं टाइप ऑफ इंटीग्रेशन।
ठीक है, आगे चल रहे हैं ना, नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं टाइप ऑफ इंटीग्रेशन। अबे करण क्यों टू से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हो, टू चाहिए ही नहीं ना इस बार, टू तो यहाँ पे नीचे एक्स प्लस थ्री है, जो नीचे टर्म होता है हमें वही चाहिए होता है, हमें अगर नीचे एक्स प्लस थ्री है तो वही ऊपर बनाना है ना, तो यहाँ तो टू को हटाना है। पिछली बार देख लो, पिछली बार यहाँ क्या था, टू एक्स प्लस सेवन था और ऊपर एक्स था, तो इसलिए हमें ऊपर टू चाहिए था, तब हमने टू मल्टीप्लाई डिवाइड किया। इस बार तो टू एक्स्ट्रा है ना ऊपर, जब एक्स्ट्रा है तो हटाओगे ना, मल्टीप्लाई डिवाइड क्यों करोगे, इस बार तो इस टू को बाहर निकालना था ना। ठीक है बच्चों, समझ आ गया ना, आगे चल रहे हैं अब। अब हम लोग नेक्स्ट देख रहे हैं टाइप ऑफ इंटीग्रेशन। तो अब देखो, हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि इंटीग्रेशन के दो टाइप होते हैं, एक होता है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, और दूसरा होता है डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो ऐसे दो टाइप होते हैं, तो हम लोग अभी पहला स्टार्ट करेंगे इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। हम लोगों ने जो अभी तक पढ़ा हुआ था ना, वो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का पार्ट था, अभी तक जो भी आप पढ़े वो सब इनडेफिनेट इंटीग्रेशन था। तो ये इनडेफिनेट इंटीग्रेशन मतलब क्या, तो आपको देखो ये पता है कि अगर कोई फंक्शन है उसको आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, एफ डैश एक्स मिलेगा, और अगर आप उस फंक्शन को इंटीग्रेट करोगे, एफ डैश एक्स को इंटीग्रेट करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, एफ एक्स मिल जाएगा ना। जो भी फंक्शन रहता है डिफरेंशिएट करने पे एफ डैश एक्स आया, तो उसका रिवर्स प्रोसेस इंटीग्रेशन है ना, एफ डैश एक्स को इंटीग्रेट करोगे तो वापस से आपको एफ एक्स मिल जाएगा। सही बात है, ये सही है ना बच्चों। अब देखो, अगर आपको मान लो बोला जाए कि भाई डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, तो आपको पता है कितना आएगा, थ्री एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन कितना होगा, थ्री एक्स स्क्वायर। फिर अगर बोला जाए कि भाई थ्री एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करो, तो आप क्या करोगे, थ्री को बाहर ले जाओगे, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, टू प्लस वन अपॉन में थ्री, तो वापस से एक्स क्यूब आ जाएगा, है कि नहीं ना। जहां से चले वापस मिल गया, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन थ्री एक्स स्क्वायर, थ्री एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब। अब अगर मान लो यहीं पर ये होता डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस फाइव, तो जब आप डिफरेंशिएट करते तो आपको क्या मिलता, एक्स क्यूब प्लस फाइव को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा, थ्री एक्स स्क्वायर मिलेगा। अब आप सोचो कि इसका मैं रिवर्स करूं, थ्री एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करूं, तो इंटीग्रेशन करोगे तो क्या मिलेगा, अभी इस तरीके से इंटीग्रेट करोगे तो एक्स क्यूब मिलेगा। तो अब देख लो, इस बार जहां से चले थे आपको क्या वो मिल पाया, आप एक्स क्यूब प्लस फाइव से चले थे, लेकिन जब वापस गए तो एक्स क्यूब मिला ना, फाइव नहीं मिला, है कि नहीं। तो रिवर्स प्रोसेस ने क्या सही रिजल्ट दिया, वापस रिवर्स करके दिया, इंटीग्रेशन ने कांस्टेंट का लॉस हो गया ना, यहाँ फाइव की जगह कोई भी कांस्टेंट हो सकता था, फाइव की जगह सिक्स सेवन एट कुछ भी कांस्टेंट हो सकता था, तो हमेशा इंटीग्रेशन में कांस्टेंट का लॉस हो जाता है ना, तो हमें नहीं पता कि कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है। अब आपको चलो यहाँ पे पता है फाइव है, लेकिन यहाँ कुछ भी हो सकता था, हो सकता था एक्स क्यू प्लस सिक्स है, एक्स क्यू प्लस सेवन है, कुछ भी हो सकता था, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे एक सी ऐड कर देते हैं। ये सी जो भी कांस्टेंट होगा वो रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर जीरो होगा यहाँ पे केवल एक्स क्यूब होता तो सी जीरो हो जाएगा, तो हमेशा हम लोग ऐसे इसलिए इंटीग्रेशन में एक सी ऐड करते हैं।
और जब आपने सी ऐड किया तो इसका मतलब अभी आपको सी की वैल्यू नहीं पता है ना, तो इसका मतलब ये पूरा जो आंसर है ये इनडेफिनेट है, इसमें अभी आपको कंफर्म वैल्यू नहीं पता है कि कितनी है, समझो ये इनडेफिनेट इंटीग्रेशन इसलिए है। समझ आया बच्चों इनडेफिनिट इंटीग्रेशन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि वहां पे अभी आपको आंसर डेफिनेट पता नहीं है ना, अननोन है अभी आंसर, ये नोट करो यहां तक। ठीक है तो हम लोग यहाँ पे भी सी ऐड कर देंगे ना, हर जगह सी ऐड कर लेना है हमें। तो अभी तक देखो जो भी हम लोगों ने पढ़ा वो सब इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का पार्ट था ना, सब में हम सी ऐड करते थे, जहां पे भी सी ऐड किया है मतलब वो क्या है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। अब हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या क्या रहेगा, जैसे आपका एफ डैश एक्स से इसको इंटीग्रेट कर रहा हूं, तो बस यहाँ पे अब क्या रहेगा, ऐसे नीचे जो ये स्नेक वाला सिंबल रहता था इसके नीचे और ऊपर एक कांस्टेंट वैल्यू कुछ दी रहेगी, ये जो वैल्यू होगी इसको हम बोलते हैं लिमिट है, ए और बी को बोलते हैं लिमिट, नीचे वाली वैल्यू को बोलेंगे लोअर लिमिट और ऊपर वाली वैल्यू को बोलेंगे अपर लिमिट। अब देखो इस लिमिट का क्या यूज होगा, देखो डेफिनेट में बस यही नया आ गया ना, लिमिट आ जाएंगे, बाकी सब इंटीग्रेशन का तरीका सेम रहेगा जैसे पहले करते थे ना, इंटीग्रेशन के मेथड में कोई चेंज नहीं आएगा, इंटीग्रेशन अब भी वैसे ही करना है जैसे पहले करते थे, बस यहाँ पे क्या हो जाएगा लिमिट आ जाएगी। तो जब आप इंटीग्रेट करोगे तो जैसे पहले इंटीग्रेट करते थे, इसको एफ एक्स लिख लोगे प्लस सी लिख लो, फिर आप लिमिट डालो। अब आप क्या करोगे, जो भी आपका आंसर आता है ना यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट बना करके लिमिट लिख दोगे, फिर इसमें जहां जहां पे एक्स होगा आंसर में हर एक एक्स में की जगह एक बार अपर लिमिट डालोगे, फिर बीच में माइनस साइन, फिर लोअर लिमिट हर एक एक्स की जगह ना, तो यहाँ पे एक्स की जगह बी डाल दो अपर लिमिट, फिर बीच में माइनस साइन, फिर हर एक एक्स की जगह लोअर लिमिट, तो ये कांस्टेंट कट जाएगा, कांस्टेंट कट जाता है इसलिए उसको लिखने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि तो जब दो बार आप लिमिट डाल के माइनस करोगे तो कांस्टेंट दोनों बार आएगा वो कट जाएगा, तो आपका फाइनल ये आएगा। अब ये जो मैंने बताया इसको मैं एग्जाम्पल लेके बताता हूँ, मान लो मुझे एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है वन से टू के बीच में, ओम ये
इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का मतलब है कि आपको उसकी लिमिट पता नहीं है, पता नहीं है ना उसकी लिमिट। जब पता ही नहीं है तो कैसे बोल रहे हो माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। ओम फालतू की बातें मत कर, मुझे पढ़ाने दे ना। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन मतलब उसका लिमिट पता नहीं है। तो अब देखो यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर, ये एग्जाम्पल देखो क्रिस तो समझ आ जाएगा ना। मान लो हमें एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है तो आप क्या करोगे, एक्स क्यूब बाई थ्री, और अभी तक आप एक सी ऐड करते थे तो अभी भी ऐड कर लो। फिर देखो जो ये लिमिट होगी, लिमिट का क्या काम है, इस आंसर में जहां पे भी एक्स आया वहां पे अपर लिमिट डालोगे, फिर बीच में माइनस साइन, फिर लोअर लिमिट। तो अब यहाँ पे एक्स की जगह टू डालोगे अपर लिमिट, फिर माइनस साइन, फिर लोअर लिमिट एक्स की जगह पर। तो ये सी कट जाएगा ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एट बाई थ्री माइनस वन बाई थ्री, तो सेवन बाई थ्री आपका आंसर होगा ना। और यहाँ पे देख लो आपको फाइनल एक डेफिनेट आंसर मिलेगा। अब इसमें कुछ आपका अननोन नहीं है तो इसलिए हम इसको नाम क्या देते हैं, डेफिनेट इंटीग्रेशन। कुछ समझ आया मैं क्या बोल रहा हूं? एक और एग्जाम्पल करा देता हूं फिर इसके बाद नोट करो। मान लो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स है जीरो से वन ना, तो इसको हम कैसे इंटीग्रेट करेंगे, एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है एक्स स्क्वायर बाई टू ना, कॉन्स्टेंट दो को कट जाएगा इसलिए उसको लिखेंगे नहीं ना। फिर एक बार अपर लिमिट में एक्स की जगह अपर लिमिट, फिर माइनस साइन, फिर एक्स की जगह लोअर लिमिट, तो ये आ जाएगा वन बाई। ठीक है बच्चों, सबको समझ आ गया ना कैसे करना है। लिमिट का क्या यूज है, जो एक्स रहते हैं वहां पे लिमिट डालते हैं ना, अपर लिमिट को पहले डालते हैं, लोअर लिमिट को बाद में, और बीच में माइनस साइन रखते हैं। क्रिस समझ आया अभी? नोट कर लो अब इसको। नोट करने के बाद ये प्रॉब्लम ट्राई करो।
देखो अब यहाँ पे क्या क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स है, तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई थ्री, और टू एक्स का करोगे तो टू बाहर जाएगा, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई टू, फिर यहाँ पे ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट बनाओगे और जीरो से वन लिख दोगे। अब देखो ये जो आंसर आएगा एक्स क्यूब बाई थ्री प्लस एक्स स्क्वायर, इसमें हर एक जगह एक्स की जगह अपर लिमिट डालोगे, फिर माइनस साइन, फिर लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट डालोगे तो क्या हो जाएगा एक्स क्यूब बाई थ्री प्लस वन, माइनस लोअर लिमिट डालोगे तो जीरो, तो ये पूरा टर्म तो जीरो हो जाएगा, केवल इधर का टर्म बचेगा ना, वन प्लस वन बाई थ्री, वन बाई थ्री प्लस वन। ठीक है, समझ आया बच्चों? चलो ये ट्राई करो आप। पहले का वन आ जाएगा, तो पहले में देखो क्या रहेगा, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन हमें पता है कितना होता है, साइन एक्स, फिर हम लोग यहाँ पे लिमिट डाल देंगे एक्स की जगह पे अपर लिमिट एक बार, मतलब यहाँ पे आ जाएगा फाइव बाई टू, फिर माइनस साइन, फिर यहाँ पे जीरो, फिर साइन नाइन्टी डिग्री, फाइव बाई टू मतलब नाइन्टी डिग्री ना, वो वन होता है और जीरो जीरो होता है, तो ये वन आ जाएगा। ठीक है, पहला तो सबको क्लियर होगा, दूसरा है एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स, ठीक है सबका सेम ही आ रहा है तो सही होगा। फिर से अब देखो मैं ब्रैकेट ओपन करके अलग अलग नहीं लिख रहा हूं ना, मैं डायरेक्ट इंटीग्रेट कर रहा हूं ना, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होगा एक्स क्यूब बाई थ्री, फाइव एक्स का इंटीग्रेशन कितना होगा, फाइव बाहर जाएगा अंदर एक्स बचेगा, एक्स का इंटीग्रेशन कितना होगा एक्स स्क्वायर बाई टू, सिक्स केवल सिक्स रहेगा ना जब ओपन करोगे तो, सिक्स डीएक्स ना, सिक्स डीएक्स में सिक्स बाहर चला जाएगा, केवल डीएक्स बचेगा, डीएक्स का इंटीग्रेशन एक्स, फिर एक बार वन डालोगे पूरे आंसर में और एक बार जीरो। अरे भंसाली जी, साइन नाइन्टी डिग्री की वैल्यू याद रखनी पड़ेगी, साइन पाई बाई टू मतलब साइन नाइन्टी डिग्री, साइन नाइन्टी डिग्री वन होता है, ये ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाया जाएगा। समझ आ रहा है? साइन 90 डिग्री वन होगा ना,
पाई बाय टू को 90 डिग्री बोलेंगे, पाई मतलब 180 डिग्री ना, तो 180 बाय टू 90 डिग्री है ना, पाई बाय टू मतलब 90 डिग्री। अब यहाँ पे वन लिख दो, फिर दूसरी बार जीरो डालोगे तो सब जीरो हो जाएगा ना, तो वो लिख नहीं रहा हूँ पूरा। ये हो गया वन बाई थ्री प्लस फाइव बाई टू प्लस सिक्स। देखो मैं अभी सॉल्विंग में बार बार जीरो दे रहा हूँ लोअर लिमिट, बट ऐसा नहीं है कि जीरो होगा, कुछ भी हो सकता है ना लोअर लिमिट। तो इसको आप सॉल्व कर रहे हो तो आ रहा है 53/6। ठीक है बच्चों, सबको अच्छे से समझ आया ना? अब इंटीग्रेशन से रिलेटेड एक दो छोटी छोटी प्रॉपर्टीज हैं, वो नोट कर लेते हैं। एक देखो ये प्रॉपर्टी, जैसे आपने कभी भी इंटीग्रेट किया, मान लो एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करो वन से लेके फाइव के बीच में, तो ये इंटीग्रेट करो वन से फाइव, या इसको आप ऐसे लिख सकते हो वन से कोई भी बीच का वैल्यू ले लो, फाइव और वन के बीच में मान लो वन से थ्री तक कर लो, फिर थ्री से वन तक कर, सॉरी फाइव तक कर लो, मतलब वन से फाइव तक अगर लिमिट है तो आप उसको ब्रेक करके भी कर सकते हो। वन से थ्री अलग तक कर लिया, फिर थ्री से फाइव अलग कर लिया, वन से टू कर लो एंड टू से फाइव कर लो, कोई भी ऐसे बीच की दो वैल्यू लेके दो पार्ट में ब्रेक करके कर सकते हो। ये समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? कभी भी इंटीग्रेशन करना हो तो जरूरत पर आप ऐसे वन से फाइव अगर लिखा है तो उसको वन से थ्री ले लिया, थ्री से फाइव ले लिया, ऐसे कर सकते हो। हाँ हाँ पॉइंट में भी चलेगा, आप वन से मान लो 2.5 तक ले लिया, फिर 2.5 से 5 तक ले लिया, वो भी चलेगा। क्रिस देख मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे लिमिट है आपकी 1 से 5 तक इंटीग्रेट करना है, तो आप इसको सॉल्व करो या फिर इन दोनों को सॉल्व करके निकालो, दोनों सेम आएगा, आप सॉल्व करके देखो। लिमिट जो होती है लिमिट को आप ब्रेक करके भी लिख सकते हो, 1 से 5 तक कोई चीज को ऐड करना है तो 1 से 3 तक ऐड कर लिया, फिर 3 से 5 तक ऐड किया, इंटीग्रेशन मतलब ऐड करना, तो 1 से 3 को ऐड करो 3 से 5, सॉल्व करके देखो ये कितना आ रहा है और ये कितना आ रहा है, क्या दोनों सेम है? सॉल्व करते हैं। अगर हम लोग मान लो एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करें 1 से 5 तो देखो कितना आ रहा है, एक्स क्यूब बाई 3 1 से 5, हाँ हाँ यहाँ एक्स स्क्वायर होगा, सॉरी इंटीग्रेशन में जो लिखा है वही होगा, वो नहीं चेंज होगा ना, ये जो इंटीग्रेशन है वो पार्ट सेम रहेगा, लिमिट बस आप ऐसे दो पार्ट में ब्रेक कर दो। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक बार वन से थ्री तक करो, फिर थ्री से फाइव तक करो, तो देखो ये आया ना, जब हमने एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन वन से फाइव में किया तो ये आया। अब एक बार इसी को इंटीग्रेट करो वन से थ्री और थ्री से फाइव, तो कितना आता है, वन से थ्री और फिर थ्री से फाइव, इंटीग्रेशन में कुछ चेंज नहीं होगा ना, बस लिमिट में चेंज होगा, तो ये क्या हो जाएगा एक्स क्यू बाई थ्री। तो यहां आ जाएगा थ्री क्यूब बाई थ्री माइनस वन क्यूब बाई थ्री प्लस यहां आ जाएगा 5 2 by 3 माइनस 3 2 by 3। तो आप देख लो ये वाला पार्ट कट जाएगा ना, यहाँ पे कितना आ जाएगा 1/3 प्लस 125/3। हाँ इसको उल्टा भी यूज कर सकते हैं कि अगर आपको दो बार इंटीग्रेट करने को बोला गया, ऐसे लिखा है 1 से 3 और 3 से 5, तो आप डायरेक्ट 1 से 5 इंटीग्रेट कर,
इसका इम्पोर्टेंस भी अभी समझ आएगा ना, थोड़ी देर रुको, अभी समझ आएगा क्यों ऐसा कर रहे हैं। अभी तो समझाने के लिए मैंने सिंपल क्वेश्चन लिया है ना, यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंस नहीं समझ आएगा। क्रिस ये समझ आया मैं क्या बोल रहा हूँ? लिमिट को ब्रेक करना बोलते हैं ना, अगर आपका 1 से 5 और 5 से 1 से 5 तक इंटीग्रेट करना है तो उसको आप ऐसे लिमिट को ब्रेक करके 2 बार में सोच सकते हो, 3 बार में सोच सकते हो, ऐसे कई पार्ट में ब्रेक करके भी सोच सकते हो ना, सब चलेगा। 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, ऐसे कई पार्ट में अलग अलग इंटीग्रेट करके लिमिट डाल के कर सकते हो, सब सेम ही आंसर आएगा। नोट करो इसको, होता है ना श्रेष्ठ। अभी बताया ना मैंने कि 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, चाहे जितनी बार आप ऐसे पार्ट में डिवाइड करके इंटीग्रेट कर सकते हो, 1 से 5 तक इंटीग्रेट करना है तो उसको कितने भी पार्ट में डिवाइड करके सोच सकते हो। तो देखो हमने ये समझ लिया कि कभी भी अगर डेफिनेट इंटीग्रेशन में मान लो आप एफ डैश एक्स को, अब इसी को सिंबल में लिखेंगे ना, जो अभी हमने समझा, ए से बी तक इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो आंसर मान लो आया एफ एक्स, तो हम लोग वहां पर एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए ऐसे ये सॉल्व करके आएगा ना, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, एफ डैश एक्स को हम ऐसे ए से सी तक इंटीग्रेट कर सकते हैं और सी से बी तक, ऐसे 2 पार्ट में सॉल्व कर सकते हैं लिमिट को ब्रेक करके, तो उससे भी क्या आएगा, यहाँ एफ एक्स आएगा एक बार ए से सी तक, फिर एफ एक्स एक बार सी से बी तक, तो जब आप लिमिट डालोगे तो क्या होगा, एफ ऑफ सी माइनस एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ सी, तो ये कट जाएगा, तो आपका आ जाएगा एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए ना, जो चीज हमने अभी क्वेश्चन में किया उसको सिंबल में बताया, तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि एफ डैश एक्स डीएक्स ए से बी अगर है तो उसको आप लिख सकते हो ए से सी प्लस सी से बी, लिमिट को ऐसे ब्रेक करके कर सकते हैं ना, तो ये हमने पहली प्रॉपर्टी देखी ना डेफिनेट इंटीग्रेशन। अब एक चीज यहां देखो, ये सी की जो वैल्यू है एफ ऑफ सी तो कट जाएगा, तो इसमें सी कुछ भी होता उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, कुछ भी 1 से 5 के बीच में इंटीग्रेट करो तो जो नहीं कि 1 से 5 के बीच में ही कोई वैल्यू लेते हैं, आप
वन से फाइव के बीच में करना है, आप मान लो वन से दस तक इंटीग्रेट कर लो, फिर दस से पांच तक कर लो, तो दस वाला तो टर्म कट ही जाएगा। एक से पहले एक हजार तक इंटीग्रेट कर लो, फिर एक हजार से पांच तक कर लो, हजार वाला टर्म कट जाएगा। कुछ समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? वन से फाइव का इंटीग्रेशन मतलब बीच में आप जोड़ने की एग्जैक्टली बीच की वैल्यू लो, कोई भी वैल्यू ले लो, चाहे बीच की या आगे की या पीछे की, कहीं के भी, कहीं से भी ब्रेक कर सकते हो। बच्चों चमक रहा है ना, बाउंस तो नहीं कर रहा है? देखो दूसरी प्रॉपर्टी हम लोग देख रहे हैं कि अगर आप इंटीग्रेट करने के टाइम पर लोअर लिमिट और अपर लिमिट को इंटरचेंज करोगे तो वहां पर एक माइनस बाहर आ जाएगा, बी को नीचे कर दिया ए को ऊपर, तो इससे माइनस आंसर में एक माइनस का डिफरेंस आ जाएगा। वो ऑब्वियस है कि इस बार पहले बी डाल रहे थे फिर ए, लेकिन अगर आप पहले ए डालोगे बाद में बी तो माइनस का डिफरेंस आ जाएगा ना आंसर में, समझो ना। ये वाला पार्ट क्या होता है, एफ ऑफ एक्स आएगा ए से बी, और यहां पे क्या आएगा, एफ ऑफ एक्स बी टू ए, ये माइनस बाहर रहेगा। तो अब यहां पे लिमिट डालोगे तो एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए आएगा, यहां पे लिमिट डालोगे तो एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी आएगा, ये माइनस। अब ये माइनस अंदर जाएगा तब ना ये दोनों इक्वल होंगे, समझ आ रहा है बच्चों? कभी भी अगर आप लिमिट को आपस में इंटरचेंज करोगे तो माइनस को आपको बाहर निकालना पड़ेगा ना, अगर आपने लिमिट को इंटरचेंज किया तो एक माइनस बाहर निकाल दोगे। ना तो ये दो प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी है। मैंने दो पढ़ाई हैं और भी होती हैं, बाकी मैथ में पढ़ाया जाएगा। नोट होने के बाद बोलते हैं। अब देखो नेक्स्ट हमें समझना है मॉड फंक्शन का इंटीग्रेशन करना, मॉड फंक्शन का इंटीग्रेशन। तो उसके लिए पहले मैं मॉड फंक्शन पढ़ना पड़ेगा। मॉड्यूलस फंक्शन या मॉड फंक्शन, देखो मॉड का मतलब क्या होता है, अगर कहीं पे लिखा है मॉड ऑफ एक्स, शांतनु यहीं पे चाहिए ना, अगर देखो कहीं पे भी मॉड फंक्शन दिखाना है तो हम कैसे लिखते हैं, मान लो एक्स का मॉड दिखाना है, एक्स का मॉड, कोई भी फंक्शन का मॉड हम कैसे लिखते हैं, उसके दोनों साइड में ऐसे दो लाइन ड्रॉ कर देंगे
ना, दो वर्टिकल लाइन, तो इसको हम बोलते हैं मॉड ऑफ एक्स, ये मॉड ऑफ एक्स या मॉड एक्स बोलेंगे, मॉड ऑफ एक्स या फिर मॉड एक्स। मॉड एक्स का क्या मतलब होता है, कुछ आइडिया किसी को, मॉड एक्स मतलब क्या? मॉड मतलब उसके मैग्नीट्यूड से मतलब होता है, मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होगा ना, तो हमें केवल पॉजिटिव वैल्यू लेनी रहेगी। तो अगर आपके सामने मान लो मॉड ऑफ फाइव है, मॉड ऑफ फाइव की वैल्यू फाइव आएगी ना, और अगर मॉड ऑफ माइनस फाइव है तो आप क्या करोगे उस टाइम पर, अगर माइनस फाइव है तो आप बाहर क्या निकालोगे, फाइव ना। मॉड मतलब हमेशा पॉजिटिव वैल्यू, और जब ये माइनस फाइव था तो इसको पॉजिटिव बनाने का क्या तरीका है, आप ऐसे बोलोगे कि माइनस ऑफ माइनस फाइव, जो वैल्यू थी उसके आगे एक माइनस लगा दो तो ये प्लस फाइव बन जाएगा। अगर अंदर की वैल्यू निगेटिव है तो उसके आगे एक माइनस लगा दोगे तो वो प्लस बन जाएगा, अगर अंदर की वैल्यू प्लस में है तो उसको डायरेक्ट लिख दोगे ना, तो ऐसे ही हम लिखेंगे। अगर हमारे पास मॉड ऑफ एक्स है तो हम उसको लिखेंगे एक्स, अगर वो एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो, और अगर एक्स की वैल्यू लेस देन जीरो है तो हम उसको लिखेंगे माइनस एक्स ना। अगर लेस देन जीरो होगा तो आगे माइनस लगाने से बन जाएगा ना वो प्लस एक्स। समझ आ रहा है बच्चों? मॉड एक्स की वैल्यू एक्स होगी अगर एक्स ग्रेटर देन जीरो है, और माइनस एक्स होगी अगर एक्स लेस देन जीरो है, क्योंकि एक्स खुद में निगेटिव है ना, एक्स खुद में निगेटिव है, उस निगेटिव वैल्यू के आगे माइनस लगाओगे तो ये पूरा प्लस बन जाएगा। ठीक है बच्चों, ये क्लियर है सभी को? फिर देखो, अगर आपके पास मॉड ऑफ एक्स माइनस टू है तो इसकी वैल्यू क्या होगी जब एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन टू है, अगर एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन टू है तो मॉड ऑफ एक्स माइनस टू को क्या बोलोगे? एक्स माइनस टू बोलोगे ना। अगर एक्स टू से बड़ा है तो ये पूरी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी ना, अगर एक्स टू से बड़ा है तो पूरी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी, और अगर एक्स की वैल्यू टू से कम है तो ये पूरी वैल्यू अंदर की क्या हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी ना। जब निगेटिव हो जाएगी तो मॉड हटाने में उसके आगे माइनस लगा दोगे तो ये खुद ही प्लस हो जाएगा ना, ये टर्म माइनस में है उसके आगे माइनस लगाया तो ये पूरा टर्म प्लस हो जाएगा। ठीक है बच्चों, जब भी मॉड के अंदर की वैल्यू प्लस में होगी तो उसको डायरेक्ट लिख देंगे मॉड हटा के, और माइनस में होगी तो मॉड हटाने के टाइम आगे माइनस लगाना पड़ेगा। सभी को क्लियर है? अब जैसे इंटीग्रेशन में इसका यूज समझते हैं, मान लो आपको बोला गया मॉड ऑफ एक्स को इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेट ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ मॉड एक्स जीरो से वन, एक्स की ये जो लिमिट दी जाती है किसकी दी जाती है, यहाँ पे आप जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करो उसकी लिमिट है ना, ये एक्स की लिमिट है, dx मतलब x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करो तो ये x की लिमिट है ना, x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है, अगर x 0 से 1 के बीच में है तो मॉड ऑफ x को क्या लिखोगे? पहले ये ध्यान रखो कि इंटीग्रेशन के लिए आपको पहले मॉड हटाना पड़ेगा ना, इंटीग्रेशन के लिए पहले मॉड हटाना पड़ेगा तभी इंटीग्रेशन हो पाएगा, तो आप पहले मॉड हटाना है तो उसके लिए सोचोगे कि x क्या है, प्लस में है माइनस में है, तो x है 0 से 1 के बीच में मतलब प्लस में है, तो आप मॉड ऑफ एक्स को क्या लिख दोगे, एक्स लिख दोगे और फिर इसको सॉल्व कर दोगे। हाँ, इसीलिए लिमिट ब्रेक करते हैं ना। अब अगर मान लो आपके पास होता माइनस वन से जीरो, इसको बोला जाए इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेशन के लिए हमेशा आपको पहले मॉड हटाना पड़ेगा ना, तो मॉड हटाने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि पहले एक्स जो है वो प्लस में है या माइनस में है, अगर प्लस है तो सीधे हटा दो, माइनस है तो आगे एक और माइनस लगा दो।
यहाँ पे आप क्या करोगे, इस बार देख लो माइनस वन जीरो, एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, माइनस वन से जीरो के बीच में है, लोअर लिमिट माइनस से अपर लिमिट जीरो के बीच में है, मतलब एक्स निगेटिव है, तो मोड आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस एक्स हो जाएगा। फिर माइनस बाहर हो जाएगा, अंदर बचेगा एक्स डी एक्स, लिमिट इंटीग्रेट करो, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय टू, फिर लिमिट डाल दो, समझ आया बच्चों? मॉड हटाने के बाद एक्स जब आ जाएगा तो एक्स का तो इंटीग्रेशन वैसे ही करोगे जैसे पहले करते थे ना, एक बार एक्स आने के बाद मॉड हटने के बाद जैसे पहले इंटीग्रेट करते थे वैसे ही अब भी करोगे। ठीक है बच्चों, सबको यहां तक क्लियर है? देखो अभी तक मैं जो प्रॉब्लम दे रहा था उसमें या तो x प्लस में था या x माइनस में था, अगर मान लो मॉड ऑफ x दिया है और ये माइनस वन से प्लस वन के बीच में है और अब हमें इंटीग्रेट करना है तो क्या करें, अब तो अब आपको पता है कि मॉड हटाने के लिए हमें माइनस वन से जीरो तक के लिए अलग सॉल्व करना पड़ेगा, जीरो से वन के लिए अलग सॉल्व करना पड़ेगा, है ना? तो इसलिए अब हम लोग यहाँ पे लिमिट को पहले ब्रेक कर लेंगे ना, लिमिट को ब्रेक करके ऐसे लिख लेंगे, माइनस वन से जीरो मॉड एक्स डी एक्स प्लस जीरो से वन मॉड एक्स डी एक्स। अब इसको अब हम अलग सॉल्व कर सकते हैं, इसको अलग सॉल्व कर सकते हैं ना, माइनस वन से जीरो में एक्स निगेटिव है तो इसका मॉड हट सकता है, अब यहाँ पे नहीं हटा सकते थे, ये बात समझ आ रही है सबको? क्योंकि यहाँ माइनस वन से प्लस वन, आधे में निगेटिव है आधे में पॉजिटिव है, प्लस एक्स का आप हटा सकते हो माइनस एक्स का हटा सकते हो ना, तो अब आप यहाँ पे क्या कर लोगे, जब एक्स निगेटिव है पहले पार्ट में एक्स निगेटिव है तो उसके आगे माइनस एक्स लिख लोगे, और जीरो से वन में एक्स पॉजिटिव है तो इसको सीधे लिख लो। अब इनको सॉल्व कर लोगे, माइनस बाहर जाएगा अंदर केवल एक्स बचेगा ना, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय टू, यहां पे एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय टू, तो ये कितना आ जाएगा, कुछ चमका बच्चों क्या हो रहा है? हमेशा ध्यान रखो मॉड का इंटीग्रेशन प्लस में आएगा ना, मॉड का इंटीग्रेशन प्लस में आता है, क्योंकि तो मॉड वाली चीजों को अगर आप ऐड करोगे, इंटीग्रेशन मतलब क्या, ऐड करना, इंटीग्रेशन मतलब क्या होता है, ऐड करना, और मॉड मतलब पॉजिटिव चीजों को ऐड करो, पॉजिटिव चीजों को ऐड करोगे तो आंसर प्लस में ही आना चाहिए ना, अब एक खुद से करो, सीधी समझ आ गया क्यों मॉड वो लिमिट को ब्रेक करते थे, लिमिट के ब्रेक करने का इंपॉर्टेंस समझ आया? हाँ इसी दिन के लिए सीख रहे थे।
ठीक है, सबका आ रहा तो सही होगा। तो हम लोग देखो यहाँ पे लिमिट को ब्रेक कर लेंगे, इसमें -2 से 0 तक, फिर 0 से 3 तक। हाँ सही है कृष्ण, -2 से 0 तक में फिर 0 से 3 तक। अब इस वाले पार्ट में x निगेटिव है ना, -2 से 0 में x निगेटिव है, तो निगेटिव x के लिए हम मॉड हटा सकते हैं ना माइनस एक्स करके, और 0 से 3 में x पॉजिटिव है तो इसका भी मॉड हटा सकते हैं ना। मॉड हटाने के लिए या तो अंदर की वैल्यू प्लस चाहिए या माइनस चाहिए ना, आधे में प्लस आधे में माइनस, तो मॉड नहीं हट पाएगा। अब ये वाला माइनस बाहर चला जाएगा, फिर इस x का इंटीग्रेशन करेंगे, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2, फिर इस x का इंटीग्रेशन 0 से 3, यहाँ पे लिमिट डाल देंगे, 0 डालोगे तो सब 0 हो जाएगा, -2 का स्क्वायर बाई 2 प्लस तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, यहाँ पे आ जाएगा ऊपर आ जाएगा 2 ठीक है बच्चों, सबको क्लियर होगा, ये नोट कर लो, फिर एक और ट्राई कर लो। मॉड ऑफ एक्स माइनस टू का इंटीग्रेशन करो, अरे क्या कर रहे हो तुम लोग, x माइनस टू का मॉड की वैल्यू क्या होगी पहले ये बताओ मुझे, केवल मॉड ऑफ x माइनस टू, अगर x की वैल्यू 2 से बड़ी है तो इसको आप क्या लिखोगे, x माइनस टू, और यहां देखो पूरी लिमिट x की कहां तक तक है, 0 से 4 तक, 0 से 4 इसका मतलब 2 से बड़ी है तो कहां तक जाएगी, ये 4 तक ही जाएगी ना, यहाँ पे जो x की वैल्यू है 0 से 4 है तो 2 से बड़ी और 4 के बीच में ये आएगा, और जब x की वैल्यू लेस देन 2 होगा तो ये कितना आएगा, अगर मॉड ऑफ x माइनस 2 की वैल्यू निकालोगे और x की वैल्यू लेस देन 2 है तो कितना होगा, x माइनस 2 की वैल्यू बताओ, माइनस ऑफ x माइनस 2, और ये x 2 से छोटा है लेकिन कहां तक जा पाएगा, 0 तक ही जा पाएगा ना, आपको ये सोचना है कि यहाँ पे ये x कब प्लस में है कब माइनस में है ना, x की वैल्यू 0 से स्टार्ट करो रखना है, यहाँ पे 0 रखोगे तो माइनस आएगा, 0 1 रखोगे माइनस आएगा, 2 रखोगे तो जाके 0 होगा, फिर 2 से ज्यादा रखोगे तब प्लस होगा, तो 0 से 2 तक तो ये माइनस में है ना, तो 0 से 2 तक अलग ब्रेक करो और 2 से 4 तक अलग ब्रेक करो, ये समझ आ रहा है सभी को, x माइनस 2 में x की वैल्यू जो है, x की वैल्यू जब 2 तक जाएगी तब तक ये माइनस रहेगा और 2 से आगे जाने पे प्लस होगा, x की वैल्यू ध्यान रखिए ना, x की वैल्यू कितनी रखोगे, x की वैल्यू 0 से 2 तक रखोगे तब तक ये माइनस होगा, कुछ चमक रहा है बच्चों मैं क्या बोल रहा हूं,
अरे सिद्धि, आज बादाम नहीं दिया लग रहा है तुमने। बादाम के साथ मजाक नहीं करो ना, वो लेते रहो रेगुलरली, पानी में डाल करके डेली दो भिगो करके अच्छे से खाते रहो। तो लिमिट ब्रेक करना समझ आ रहा है? तो हम लोग क्या लिख देंगे, 0 से 4 एक्स माइनस टू डी एक्स। तो हम इसको लिखेंगे 0 से 2 और 2 से 4। अब x की वैल्यू 0 से 2 डालोगे तो ये निगेटिव आएगा ना, तो इसका मॉड हटाने के लिए हम क्या करेंगे, माइनस ऑफ x माइनस टू ना। अंदर की वैल्यू जब भी निगेटिव होती है तो माइनस लगा के हटाते हैं ना। अब अंदर की वैल्यू यहां प्लस में है तो इसको ऐसे ही हटा देंगे। ये ध्यान रखना, आपको ये लिमिट प्लस है या माइनस उससे मतलब नहीं है, लिमिट का प्लस माइनस नहीं देखना है आपको, ये अंदर क्या है, बाउंड के अंदर क्या है उसका प्लस माइनस देखना है। ठीक है, समझ रहे हो ना बच्चों? अब ये वाला माइनस बाहर कर देंगे, एक्स माइनस टू का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स का इंटीग्रेशन होगा एक्स स्क्वायर बाई टू, माइनस टू बाहर आएगा और केवल डीएक्स का इंटीग्रेशन एक्स नहीं, ये वाला माइनस बाहर रखा हुआ है। ऐसे यहां पे भी करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस टू एक्स। अब यहां लिमिट डाल दो, एक बार एक्स की वैल्यू टू डालोगे और एक बार जीरो डालोगे, जीरो डालोगे तो पूरा जीरो हो जाएगा। फिर एक बार यहां पे एक्स की जगह फोर डालोगे, फिर बीच में माइनस साइन, फिर एक्स की जगह टू डालोगे। ना अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये कितना आ जाएगा, यहां पे टू माइनस फोर तो माइनस टू बचेगा, प्लस यहाँ पे देखोगे तो कितना आ जाएगा, ये 16 है ना, 16 बाई टू एट माइनस एट, यस ये यही आ जाएगा ना, माइनस यहाँ पे कितना आ जाएगा, टू माइनस फोर माइनस टू, तो यहाँ पे अब आ जाएगा प्लस टू, ये टर्म तो जीरो हो जाएगा, यहाँ पे भी और आ जाएगा एक प्लस टू, तो टोटल फोर आ गया। कुछ समझ आ रहा है बच्चों मैं क्या बोल रहा हूं? नोट कर लो इसको। हाँ, 0 से 2 मतलब 2 इज कंसिडर्ड, जीरो से टू मतलब 0 एंड 2 लेकर के। हाँ, जब x की वैल्यू 2 होगी तब उस टाइम पे 0 हो जाएगा। 0 के आगे चाहे माइनस लगाओ या प्लस लगाओ कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं।
ये मॉड वगैरह का इंटीग्रेशन आ सकता है क्रिस? इंटीग्रेशन में तो अभी तक एप्लीकेशन सिखाया नहीं है ना, ये सब तो सिंपल इंटीग्रेशन है, ये सब आ सकते हैं। समीरन तू समझा, एक्स इक्वल टू टू लिखोगे तो जीरो आएगा ना, तो जीरो को चाहे आप प्लस वाले में लो या माइनस वाले में, दोनों में चले जाओ। एक और खुद से कर लो, ये करो मॉड ऑफ एक्स माइनस वन जीरो से थ्री के बीच में इंटीग्रेट करो। ठीक है, अब सॉल्व कर देते हैं। तो अब हमें देखो पता है कि जब x की वैल्यू 1 से बड़ी होगी तब ये पूरा टर्म प्लस में होगा ना, तो इसका मतलब 1 से लिमिट ब्रेक करेंगे, 0 से 1 तक के लिए ये माइनस होगा, 1 से आगे ये प्लस हो जाएगा, तो इसकी लिमिट जो होगी 0 से 1 x माइनस 1। ये ध्यान रखना, ये जो लिमिट होती है x की लिमिट होती है ना, तो x को 0 से 1 तक जब तक वैरी कराओगे तब तक ये पूरा टर्म माइनस है ना। फिर वन से थ्री तक के लिए एक्स माइनस वन वाला टर्म प्लस में हो जाएगा। अब हम इसको लिख सकते हैं माइनस ऑफ एक्स माइनस वन और यहां पे प्लस में लिखेंगे। अब आगे तो आप कर ही लोगे, माइनस बाहर जाएगा, x माइनस वन का इंटीग्रेशन आपको पता ही है, एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस एक्स, लिमिट डाल देंगे आप, ये माइनस बाहर रखेंगे एक बार पहले अपर लिमिट, फिर लोअर लिमिट, लोअर लिमिट में जीरो है तो सब जीरो हो जाएगा, फिर एक बार अपर लिमिट, फिर अपर लोअर लिमिट। तो अब ये कितना हो जाएगा, वन बाई टू माइनस वन, तो ये माइनस वन बाई टू आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा नाइन बाई टू ना, नाइन बाई टू माइनस थ्री, तो कितना बचेगा, नाइन बाई टू माइनस थ्री तो मतलब थ्री बाई टू, और यहां
कितना आ जाएगा, माइनस वन बाई टू माइनस, तो ये प्लस में वन बाई टू, तो ये प्लस हाफ प्लस थ्री बाई टू प्लस वन बाई टू, सब ऐड होकर के हो गया फाइव बाई। ठीक है, तो मॉड वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन हो जाएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ग्राफिकल मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन। ग्राफिकल मीनिंग पढ़ने के बाद ये जो हम लोग इंटीग्रेशन कर रहे हैं ये आप बहुत इजीली कर पाओगे। ग्राफिकल मीनिंग पढ़ने के बाद ये फटाफट एक एक लाइन में आप सॉल्व कर दोगे। तो अब ग्राफिकल मीनिंग समझते हैं, फिर इसको हम और जल्दी सीख करेंगे, सॉल्व करना सीखेंगे। तो नेक्स्ट हेडिंग डालो ग्राफिकल मीनिंग। डिफ्रेंशिएट करने में भी आपको ऐसे ही सोचना पड़ेगा तेजस ना, कि कहां पे डिफ्रेंशिएट करो उस हिसाब से मॉड हटा के डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। एक्चुअली डिफ्रेंशिएशन किसी पॉइंट पर होता है ना, कोई एक पर्टिकुलर एक्स के पॉइंट पर, तो वहां या तो प्लस होगा या माइनस होगा ना। इंटीग्रेशन में तो एक रेंज होता है, इसलिए हमें वहां प्लस माइनस देखना पड़ता है। डिफ्रेंशिएशन में ये दिक्कत नहीं आती, नहीं ये एप्लीकेशन नहीं है, ये तो उसका पार्ट है समटाइम। नेक्स्ट अब डालो ग्राफिकल मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन। देखो जैसे आपने कोई फंक्शन लिया वाई इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन, और आपने इसमें इसका ग्राफ ड्रॉ कर दिया, y और x का ग्राफ ड्रॉ कर। तो अब देखो अगर आप कहीं पे निकालते हो इंटीग्रल ऑफ y dx ना, y dx मतलब वो जो भी fx है उसको इंटीग्रेट कर रहे हो, तो इसका मतलब क्या होता है? अगर हम कोई x डिस्टेंस पर जाए, यहाँ पे देखो अगर मैं x डालूंगा तो ये क्या हो जाएगा, y मिलेगा मुझे। जब मैं x की वैल्यू x डालूंगा तो यहाँ पे x डालूंगा तो ये वैल्यू मुझे y मिलेगा ना। ग्राफ का मतलब समझते हो ना, उसमें x डालोगे तो y की वैल्यू मिलेगी, फंक्शन में x की वैल्यू डालोगे तो उससे हमें y की वैल्यू मिलेगी। फिर अगर मैं x को थोड़ा सा और बढ़ा के x प्लस dx कर दूं, ये बहुत थोड़ा सा बढ़ाया बट ग्राफ में हम डिस्टेंस बड़ी दिखाई है, बट एक्चुअल में ये बहुत थोड़ा सा मैंने x से x प्लस dx किया ना, ये पूरी डिस्टेंस x है और ये पूरी डिस्टेंस x प्लस dx है, तो ये कितना होगा, ये dx हो जाएगा ना। तो जब मैं यहाँ पे x की वैल्यू हल्का सा बढ़ा के डालूंगा तो y भी थोड़ा सा बढ़ के मिलेगा ना। अगर x को मैं बढ़ा के डालूंगा तो y भी थोड़ा सा बढ़ जाएगा ना। अब नया y कितना आ जाएगा, y प्लस dy ना, y भी थोड़ा सा बड़ा हो गया। अब देखो ये समझाने के लिए मैंने यहाँ पे x को थोड़ा बड़ा दिखाया है, बट एक्चुअल में x इतना बड़ा है नहीं, एक्चुअल में x क्या है, बहुत थोड़ा सा मैंने आगे बढ़ाया था। तो ये जो y इतना आगे दिख रहा है वहां है नहीं, वो एकदम यहाँ बगल में है, एकदम यहाँ पर है y प्लस dy ना। समझाने के लिए उसको थोड़ा दूर दिखाया है। अगर ये एकदम बगल में होगा तो ये जो शेप बनेगा ये कैसा शेप बन रहा होगा, अगर ये वाली लाइन एकदम इसके बगल में होगी तो ये शेप कैसा बोलोगे। बताओ बच्चों, अगर ये दो पैरेलल लाइन है और ये दोनों इक्वल होंगी तो ये रेक्टेंगुलर बोलोगे ना, ये फिर एक रेक्टेंगल बन रहा होगा। और रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालोगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल को अगर हम कुछ मान लो डी ए बोलें, छोटा सा एरिया, तो रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालोगे, लेंथ इंटू विड्थ, ये वाली लेंथ कितनी है वाई और ये वाली विड्थ कितनी है डी एक्स। इसका मतलब अगर आप y dx करते हो तो आप क्या करते हो, ये छोटे से स्ट्रिप का एरिया निकालते हो,
और अगर आप इसको इंटीग्रेट कर दोगे, इंटीग्रेट करोगे तो मतलब आप इसके अंडर का एरिया निकाल रहे हो, और जहां से जहां तक का लिमिट डालोगे एक्स वन से एक्स टू, अगर आपने डाला लिमिट जीरो से एक्स वन से एक्स टू, तो मतलब आप एक्स वन से लेकर के एक्स टू तक के बीच में, एक्स टू तक के बीच में जितना एरिया आएगा ये सब निकाल दो इंटीग्रेशन में। का मतलब क्या होता है, एरिया अंडर ग्राफ, ये हमें क्या देता है, समझ आ रहा है, आप वाई डीएक्स करके एक छोटा सा एरिया निकाल लेते हो, फिर उसी को ऐड कर देते हो, वाई डीएक्स एक छोटा सा एरिया है और आप उसी को ऐड कर रहे हो, ऐसे बहुत सारे स्ट्रिप्स बनेंगे ना, हर जगह ऐसे आप पतले पतले स्ट्रिप ले सकते हो और सबको ऐड करना है, तो ऐड करने का काम कैसे करते हैं, इंटीग्रेशन। कुछ समझ आ रहा है बच्चों मैं क्या बोल रहा हूं, ये नोट करो, अब इसको मैं एग्जांपल लेके समझाता हूं तो और क्लियर होगा, इसको नोट कर लूं। देखो करण मैं ये बोल रहा हूं कि अगर मान लो जब आप इस फंक्शन में यहाँ पे x डालोगे तो ये हाइट कुछ y मिलेगी ना, यहाँ पे x डालोगे तो ये y, ये ग्राफ क्या होता है, इसमें जो x डालोगे उसके अकॉर्डिंग ये y बताता है ना, x मतलब ये डिस्टेंस x है, फिर आपने x को थोड़ा बड़ा किया तो ये x प्लस dx कर दिया, तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी dx, जब x को थोड़ा सा बड़ा करोगे तो y भी थोड़ा सा बड़ा हो गया, तो अब नई हाइट हो गई y प्लस dy, लेकिन ये मैंने dx आपको पता है क्या होता है, बहुत बड़ी क्वांटिटी है या बहुत छोटी क्वांटिटी, dx क्या है, एक बहुत ही छोटी सी क्वांटिटी ना, जितना हम सोच सकते हैं उससे भी छोटी, तो ये dx इतना दूर दिख रहा है, इतना दूर है नहीं, ये dx एकदम यहाँ पर है, एकदम यहाँ पर, तो जो y प्लस dy होगा वो भी एकदम यहाँ पर होगा, तो जब एकदम यहाँ पर होगा तो ये कैसा एरिया बनेगा, ये जो शेप बनेगा उस टाइम पे वो कैसा होगा, रेक्टेंगुलर होगा ना, उस टाइम पे ये दोनों साइड इक्वल आ रही हूं, ठीक है, समझो मैं क्या बोल रहा हूं, यहां पर आपने ऐसा कोई ग्राफ बनाया हुआ है, तो आपने एक एक्स लिया और एक एक्स प्लस डीएक्स लिया है, नहीं ये हमारा डीएक्स है और ये वाई है, अब मान लो आपको बोला जाए कि एक्स वन से स्टार्ट करके एक्स टू के बीच का सारा एरिया निकालो, तो अगर मुझे एक्स वन से एक्स टू तक का सारा एरिया चाहिए तो मैं कैसे निकालूंगा, ऐसे बहुत सारे पतले पतले स्ट्रिप बना सकता हूं ना, और हर एक स्ट्रिप का अगर मैं एरिया ऐड कर लूं तो पूरे इसका एरिया आ जाएगा, इस पूरे पार्ट का, मुझे ये पूरे पार्ट का एरिया चाहिए ना, ये पूरे पार्ट का एरिया चाहिए, समझ आ रहा है बच्चों, मुझे ये पूरा शेडेड पोर्शन का एरिया चाहिए था, तो मैं कैसे निकालूंगा, यहाँ पे ऐसे बहुत छोटे छोटे से स्ट्रिप बना करके एरिया निकाल सकता हूँ ना, और एक छोटे से स्ट्रिप का एरिया क्या होगा, वाई इंटू डी एक्स, और यहाँ पे कितने स्ट्रिप बनेंगे, लार्ज नंबर ऑफ स्ट्रिप बनेंगे ना, तब लार्ज नंबर ऑफ स्ट्रिप को कैसे ऐड करोगे एरिया को, इंटीग्रेट करके, और लिमिट क्या बताता है कि किस एक्स से किस एक्स तक का एरिया ऐड करना है, यहाँ एक्स वन से लेके एक्स टू तक का एरिया ऐड करना है, कुछ चमका बच्चों में क्या बोल रहा हूं, अब ये नोट कर लो, फिर मैं एग्जांपल लेके समझाता हूं तो और समझ आ जाए, इंटीग्रेशन का ग्राफिकल मीनिंग क्या बोलोगे, आपको एक लाइन में पूछा जाए व्हाट इज इंटीग्रेशन, तो एरिया अंडर ग्राफ,
नोट करो। लिमिट्स जो रहते थे वो एरिया वाले ग्राफ में क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि कहां से कहां तक का एरिया चाहिए ना। लोअर लिमिट बताता है कि एक्स की लोअर वैल्यू कहां से स्टार्ट करना है, और अपर वैल्यू मतलब कहां तक के एरिया का, एक्स के अंडर के एरिया का ग्राफ चाहिए। नोट हुआ? अब एक एग्जांपल देखते हैं। सबने y इक्वल टू x का ग्राफ बनाना सीखा हुआ है। y इक्वल टू x का ग्राफ कैसे बनेगा? स्ट्रेट लाइन ना पासिंग थ्रू ओरिजिन, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। y इक्वल टू, ये आप बोलोगे 1 इंटू एक्स प्लस सी, सी मतलब 0 है, तो यहाँ पे ग्राफ कैसा बनेगा? ऐसे कुछ ग्राफ बन रहा होगा ना। अब अगर देखो आपको बोला जाए कि इंटीग्रेशन ऑफ वाई डीएक्स करो 0 से 1 तक, तो आप क्या करते हो? जो भी वाई की वैल्यू होगी वो रख दोगे, इंटीग्रेट करोगे ना, वाई की वैल्यू एक्स दी है ना, तो आप यहाँ पे क्या निकाल लोगे? एक्स स्क्वायर बाई 2 0 से 1, लिमिट रख दोगे तो आ जाएगा 1/2। अब अगर इसी चीज को हम लोग ग्राफ में सोचें, 0 से 1 तक इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट करना मतलब मुझे क्या निकालना है? एरिया निकालना है ना, कहां से कहां तक का एरिया निकालना है 0 से 1। 0 मतलब यहां पर एक्स की वैल्यू 1, एक्स की वैल्यू 0 से 1 तक, मतलब कितना एरिया निकालना है? सब एसआई यूनिट में है ना, सब एसआई यूनिट में है। तो आप देखो अगर मुझे इसका क्या मतलब होता है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डीएक्स 0 से 1, मतलब जो भी ग्राफ बना है उसके अंडर का एरिया निकालना है, इतना एरिया निकालना है। अब ये कौन सा शेप बना हुआ है? नहीं, ये स्ट्रेट लाइन थी ना, तो ये रेक्टेंगल बना हुआ है। रेक्टेंगल का एरिया आप कैसे निकालोगे? हाफ इंटू बेस, बेस कितना है ये, और यहाँ x की वैल्यू जब 1 डालोगे, यहाँ पर x की वैल्यू 1 डालोगे तो y कितना मिलेगा? 1 ना। जब x की वैल्यू 1 है तो y कितना मिला हुआ है? y इक्वल टू x ना, जो x की वैल्यू होगी वही y की वैल्यू होगी। तो हाइट भी कितनी है इस ट्रायंगल की? 1, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट,
ये कितना आ गया, वही आ गया ना जो आपने यहाँ निकाला हुआ है। इंटीग्रेशन ने क्या बताया, आपने यहाँ तो एरिया निकाला, इंटीग्रेशन से भी वही मिला हुआ है ना एरिया। समझ आ रहा है बच्चों? इंटीग्रेशन से हमें डायरेक्ट ग्राफ और एक्स एक्सिस के बीच का एरिया मिल जाएगा। सबको समझ आया? बंसाली जी कहाँ गए? बंसाली जी को समझ आया? हाँ, जो एक्स एक्सिस पे रहता है उसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं। अब देखो इंटीग्रेशन का फायदा क्या है, ये स्ट्रेट लाइन था या रेक्टेंगल था तब तो आपने आराम से एरिया निकाल लिया, लेकिन हर एक शेप एकदम सिंपल नहीं होता ना। अगर मान लो आपको यहीं पे ऐसा फंक्शन होता y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो आपको पता है कि अब इसका ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा पैराबोलिक ग्राफ बनेगा ना। तो अगर मान लो आपको बोला जाए कि भाई जीरो से वन के बीच का एरिया निकालो ग्राफ और एक्स एक्सिस के बीच में, जीरो से वन के बीच का एरिया, तो इस बार क्या आप ज्योमेट्री लगा के निकाल पाओगे? क्योंकि ये रेक्टेंगल तो है नहीं, सॉरी ट्रायंगल तो है नहीं, ये कर्व है ना, तो इस बार आप वैसे नहीं निकाल सकते। लेकिन आपके पास इंटीग्रेशन है, ये आपको डायरेक्ट ये एरिया बता देगा। कैसे बता देगा? आप इंटीग्रल वाई डीएक्स करो और जहां से यहां तक का एरिया चाहिए लिमिट डाल दो, जीरो से वन तक का चाहिए ना, तो यहाँ जीरो से वन तक लिमिट डाल दो एक्स स्क्वायर डीएक्स जीरो से वन, इंटीग्रेट कर दो इसको। तो अगर आप किसी तरह से अगर ये एरिया ज्योमेट्रिकली कैलकुलेट कर पाते तो ये एरिया 1/3 आता। कुछ समझ आ रहा है बच्चों? आपका काम आसान हो जाता है इंटीग्रेशन से। कभी भी एरिया निकालना है तो इंटीग्रल y dx करो और जहां से जहां तक का एरिया चाहिए वो इंटीग्रेट करो। ठीक है, नोट करो अभी। यहीं से नोट करना होगा सिद्धि ना।
चलो अब होमवर्क बता देता हूँ, थोड़ा बहुत ही बचा हुआ है, वो नेक्स्ट क्लास में खत्म हो जाएगा। हाँ यहां तक रहेगा टेस्ट में ना। होमवर्क में इंटेक्स एक्सरसाइज 3 कंप्लीट कर लेना एक्सेप्ट 10th। होमवर्क में इंटेक्स एक्सरसाइज 3 का 1 से 9 और इलुस्ट्रेशन कुछ दिए हैं, मुझे याद नहीं कौन कौन से दिए हैं, तो 32 से 38 तक सारे, 30-40 तक इलुस्ट्रेशन 32-40। नहीं 40 तक 40 तक 38 नहीं 40 तक 38 तक अच्छा दिया हुआ है, तो 40 और दो और कर लेना। अब एक्सरसाइज 1 से देता हूं, एक्सरसाइज 1 में भी कुछ दिया हुआ है, तो अब आपको एक्सरसाइज 1 में 49 तक कंप्लीट कर लेना है ना, इंटीग्रेशन एंड एप्लीकेशन वाला जो है एक्सरसाइज 1 में। कुछ तो दिया हुआ है, 39 से 49 के बीच में जो भी है सब कंप्लीट कर लो, कुछ दिए हुए हैं कुछ बचे हुए। एक्सरसाइज 2 में भी जो जो हेडिंग के क्वेश्चन एक्सरसाइज 1 में हो गए हैं उस हेडिंग के क्वेश्चन आप एक्सरसाइज 2 से भी ट्राई कर सकते हो ना, जिस भी हेडिंग का क्वेश्चन एक्सरसाइज 1 में कंप्लीट हो गया है उसी हेडिंग का क्वेश्चन एक्सरसाइज 2 से कर सकते हो। 2 वाला मैं क्लास में डिस्कस नहीं करूंगा, जो भी करेगा वो अलग से पूछ लेना, या एक क्लास ज्यादा से ज्यादा 2 के लिए डाउट के लिए दे सकता हूँ। 1 तक हम लोग क्लास में कर लेंगे, 2 सबको अलग से पूछना रहेगा डाउट। ठीक है बच्चों, फिर क्लास क्लोज करता हूँ ना, समझ आ गया है ना आज का, कुछ ऐसा बाउंस तो नहीं हुआ ना। ठीक है फिर क्लोज कर रहा हूँ। इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों टेस्ट में रहेंगे, मेनली डिफरेंस वो इंटीग्रेशन रहेगा, मेनली इंटीग्रेशन रहेगा, थोड़ा बहुत ही डिफरेंशिएशन रहेगा ना। अगर 30 क्वेश्चन है तो 17-18 तक इंटीग्रेशन रहेगा, 10-11 क्वेश्चन डिफरेंशिएशन के रहेंगे। ठीक है बच्चों, फिर क्लोज कर रहा हूँ।